हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम इस फैट PS2 यानी कि जो कि बहुत ही फेमस गेमिंग कंसोल है जिसका नाम है PlayStation 2। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये PlayStation 2 की गेम तो खेली होंगी, लेकिन इसमें गाइस जो इसका फैट मॉडल है तो इसमें भी कुछ खामियां हैं। और जहाँ पर सबसे बड़ी खामी ये आती है कि जहाँ पर जो इसमें हम हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो हमारा जो फैट PS2 होता है उसमें आपको पता है कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क तो सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी ये आती है कि हम इसको एक्सटर्नली ही टोटली एक्सटर्नली हार्ड डिस्क इसमें नहीं लगा सकते हैं। उसका भी हम कारण यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के साथ बने रहें विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था और मैं जहाँ पर सिर्फ बात करूँगा इसके मेन जो कि प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ 1 मिनट। तो ये वाला जो इसका मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है GH15। 1 मिनट, यहाँ ये देखिए GS15 मदरबोर्ड है इसमें। सो गाइस, जहाँ पर जो बात आती है इस मॉडल नंबर की, तो ये जो मदरबोर्ड है जो PlayStation 2 की जो कि सीरीज है वो 3000 सीरीज का मदरबोर्ड है। और गाइस, कहीं को जहाँ पर ये जहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होती है कि JIC है जो हार्ड डिस्क के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो गाई जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जे वाली जो पोर्ट है जहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर लगता है, यहाँ देखिए, और जे वाला IC है गाइस, ये जो माइक्रो चिप है इसका CXD9683R नंबर है, और जे एक्चुअली में एक HDD कंट्रोलर IC है और जो कि इसका नेटवर्क कार्ड होता है उसको होस्ट करता है इसके साथ, और जहाँ से फिर ये हमारी गेम्स रन करती है। और जो कि हार्ड डिस्क का जो इसलिए PS2 ने किया क्योंकि उसमें जो गेम्स होती हैं उसको लोड करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और इसकी जो गए जहाँ पर ये इसकी वीडियो आउटपुट ऑडियो वीडियो फोटो जो कि इसके ऑडियो वीडियो के लिए काम करती है, और ये इसका HD ऑडियो लिंक है। और गाइस, जहाँ पर ये जो मदरबोर्ड में ये USB दी गए हैं वो जहाँ पर इसका एक्सटर्नल डिवाइस कुछ लगता है, तो जहाँ पर गाइस इसकी जो स्पीड है बहुत ही कम होती है, मान के चले तो ये USB का वर्जन 1.1 है, इसलिए इसमें USB की कुछ गेम सपोर्टेड नहीं करती, लेकिन इसका जो HDD जो कि जहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर लगता है तो इसके जरिए हम इसकी हैवी गेम्स को भी रन कर सकते हैं और कई ऐप्स भी इसमें रन कर सकते हैं। सो गाइस, जहाँ पर बात ये आती है कि इन सब कंपोनेंट होने के बावजूद भी हम इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस जो कि आपको पता है कि जो PS2 स्लिम होती है उसमें लगती है, उस तरह क्यों नहीं लगा सकते? तो गाइस, जहाँ पर यही रीज़न है, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न जहाँ पर एक और है जो कि 110 पिन की जहाँ पर ये हार्ड डिस्क होस्ट होता है जहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर लगता है। फिलहाल मेरे पास वो नेटवर्क अडेप्टर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसकी जब डेटा शीट को रीड किया जो कि इसकी अदर मैकेनिकल तरह की ड्राइंग होती है, तो उसको भी मैं आपको रीड करके यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस डायग्राम का लिंक भी देख सकते हैं जो कि इसके ऑफिशियली मदरबोर्ड की डायग्राम है। अगर कोई आपको इसका फॉल्ट रिपेयर करना है तो आप उसकी हेल्प से इसको इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके मेन टॉपिक पर बात करूंगा
कि कौन सा आईसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि हमारी हार्ड डिस्क वर्क करने लगेगी अगर हम इसमें मोड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पर ये बहुत ही सैड बात है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें अगर हम इस आईसी को जहाँ पर चेंज भी कर देते हैं तो हमें बहुत सारे इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट को भी चेंज करना होगा, जो कि एक तरह से नामुमकिन है। तो अब बात करते हैं इस आईसी की। सो गाइस, यही वो आईसी है जो कि एक हार्ड डिस्क में, जो कि हार्ड डिस्क को होस्ट करवाता है इस पोर्ट के जरिए। तो इसकी हम कुछ स्पेसिफिकेशन भी देखें। तो गाइस, जब सबसे पहले इसका हम आईसी का नंबर देखते हैं, तो ये देखिए गाइस, इसका जो नंबर है CXD9731AGP, और कहीं कहीं मॉडल में ये CXD9731GP भी होता है। तो इसकी अगर आपको सिस्टमैटिक डायग्राम चाहिए तो आप फिर से नीचे वो लिंक पर क्लिक करें और आपको वहां पर इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी। सो गाइस, ये कुछ बैक साइड से इस तरह का दिखता है, जो कि होस्ट करता है आईडी हार्ड डिस्क को एक इस मदरबोर्ड में, जो कि PS2 का फैट मदरबोर्ड है। तो इसको मोड हम नहीं कर सकते, यही रीजन है कि इस PS2 फैट मदरबोर्ड को हम मोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कहीं एक और बात बताऊं कि जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं दिखेगी, कि ये जो आईसी है सेम आईसी जो कि PS2 का ऑफिशियल नेटवर्क अडेप्टर है उसमें भी यूज होता है। तो इसी आईसी के जरिए जो अपनी आईडी हार्ड डिस्क है उसको इस सोनी PS जो कि 700 सीरीज का मदरबोर्ड है उसके साथ हम होस्ट कराते हैं और गेम्स को इजीली रन कर सकते हैं। तो यही था वो आईसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका जो PS2 मॉडल है जो कि 9000 सीरीज़ का जो कि स्लिम मॉडल है उसमें ये आईसी बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उस PS2 में हम जो कि एक्सटर्नली हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, यही रीज़न है गाइस, और यही सब प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, इसलिए हम उसमें USB हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो उसकी स्पीड काफ़ी कम है, लेकिन हार्ड डिस्क की स्पीड सेम है, लेकिन उसके मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट है उसकी स्पीड बहुत ही कम है, तो इसलिए उसमें जो एक्सटर्नली हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं होता। और इसमें हम हार्ड डिस्क का इसलिए नेटवर्क अडेप्टर के विदाउट नहीं लगा सकते, क्योंकि नेटवर्क अडेप्टर में जो आईसी यूज होता है वो सेम आईसी होता है। अगर गाइस यही आईसी अगर इस मदरबोर्ड में भी होता ना, तो गाइस हम इसको ईजिली रन कर सकते थे, इसकी जो हार्ड डिस्क की जो कि आईडी या फिर साटा हार्ड डिस्क है उसकी गेम्स को। तो ये आईसी दिखने में तो सिमिलर इसका इसकी तरह ही दिखता है, लेकिन इसके साइज़ में बहुत ही फ़र्क है, और इसलिए ये हमको प्रॉब्लम फेस करने को आती है। तो गाइस, इसमें जो कि मोड चिप होती है जो कि हम इसको मोडेड करने के समय यूज़ करते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता मोड इसका, इसमें मोड इसका कुछ भी काम नहीं है, जो कि VIS2 फैट मॉडल है, और ये आईसी सिर्फ वहाँ ही लगेगा जो कि स्लिम मॉडल होते हैं उसमें ही जो वर्क करेगा, और उसके सिवा आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे कमेंट करना कि आपके पास कौन सा मॉडल है और क्यों आपकी हार्ड डिस्क इसमें सपोर्ट नहीं करती। अगर आप इस आईसी का यूज़ करके अगर इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं तो नीचे कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।